सबसे पहले चल रहे हैं और आपको भी हैप्पी दिवाली बाबा जी। ओ माय गॉड, वाओ कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है। सो वेलकम फ्रेंड्स, किया जाता है हमारे गांव में कैसे करते हैं लोग, और दिया को यानी दीप को कहां पर ले जा करके रखा जाता है, जला जाता है। अभी देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे हाथों से रंगोली को बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। यहां पर चाक से लिख दिया गया, उसके बाद से तब बनाया जा रहा है। और देखते हैं आगे किस घर के द्वार पर इससे अच्छा रंगोली बना है, लेकिन ये भी जितना कहा जाए उतना कम भी नहीं है, बहुत अच्छा बना है। हे गाइस, अभी जिस गली में हम हैं ये भी हमारे गांव में ही है, पड़ता है। तो अभी हम अपने गांव के एक छोटे मोटे गली में हैं जिससे होकर जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब सभी शाम के समय लगभग 5 बजे से अभी कुछ समय बाद दीप लेकर के यहां पर इस देवी माँ के स्थल पर दीप जलाने आते हैं सभी लोग। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी सब साथ ही जो भी सन्नाटा है, अभी कुछ है, अभी कोई लोग वगैरह कोई पर्सन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर हाथी को बनाया गया है। जय माता दी, जय काली माँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे गांव में मैं भी खुद आऊँगा दीप रखने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोग इस रास्ते आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अभी इस रास्ते में देखिएगा इतने सारे लोग यहाँ से होकर गुजरेंगे और दीप इधर चलेंगे। यहाँ पर भी पूज्य स्थल है और यहाँ पर भी अभी देखिए कुछ समय बाद यानी थोड़ी यानी 1 घंटे बाद देखिएगा यहाँ पर इतने सारे दीप जलाए जाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो ये देखिए, ये चौकड़ा टाइप यानी सर्कल टाइप के शेप बना है, इसके नीचे कुआँ है और इसको ठप दिया गया है और इसके बाद से रोड की मरम्मत कर दी गई, तो ये थोड़ा नीचे चला गया। लेकिन जब पुराने समय में यहीं से लोग इसी कुएं से पानी पीते थे गांव के सभी लोग। बहुत सारे लोग यानी जिन लोग का घर उधर है इस रास्ते भी होकर ऐसे यहां पर ऐसे चलना है, इधर जाते हैं लोग। और हम लोग को मान लीजिए ऐसे आना रहता है, हम लोग को सीधे ऐसे आते हैं और इस रास्ते हम लोग को इधर चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहुँचे और फिर अगेन हम लोग इस रास्ते होकर के आगे बढ़ेंगे और आगे कहाँ पर दीप वगैरह रखाता है वहाँ पर चलते हैं, आपको आगे का नज़ारा आपको। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या सीन है वो आपको दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल ये रास्ता ठीक है, लेकिन बरसात के समय में बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं उस जगह पर। अभी ये जो देख रहा ना ये जगह, यहाँ पर अभी कुछ समय बाद यानी लगभग 5 बजे के बाद से यहाँ पर इतने सारे दीप वगैरह रखे जाएंगे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसी रास्ते से हम लोग वापस इधर आए हैं और अब हमको जाना है किधर, उधर देख सकते हैं। अभी उनको वहाँ पर जाना है, अभी वहाँ पर सबसे मेन जो जगह है वही है, वहाँ पर हमको दीप वगैरह लेकर जाना है। और ये गांव में अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये गांव का मेन पार्ट है, यानी यहीं पर मेन बीच गांव में यानी हम आ चुके हैं। और अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या सीन है वो आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है इस बार काफ़ी औसम तरीके से दिवाली का सेलिब्रेट किया। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ माय गॉड कितना सुंदर डेकोरेट किया गया, वाओ। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। सो हैप्पी दिवाली दोस्तों आप सभी को, और अब चलते हैं आपको करीब से दिखाते हैं कि यह रंगोली किस तरह बनाया गया है। हैप्पी दिवाली यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया, जो भी हो बहुत ही सुंदर बनाने वाले ने बहुत सुंदर बनाया है, और जिन्होंने भी बनाया उनके लिए दिल से थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतना सारा मेहनत किया और इस ब्रिज को और इस जगह को इतना सुंदर बनाया और योगदान दिया सुंदर बनाने में, ये बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच। और आने वाले साल में भी अगले दिवाली को भी इससे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं और इससे अच्छा कुछ नई चीज़ें करके दिखाएं जिससे उनका भी नाम होके। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा देख करके ज़रूर बताएं हमें। और अभी हम थोड़ा सा इधर वगैरह घूम रहे हैं और फाइनली देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ का सीन है। ये
ये जो पान के पत्ती पर लिखा गया है, कलर तो मैचिंग कलर बढ़िया से एकदम एडजस्ट किया गया है, जिसकी मतलब जितना मखान का उतना ही कम है। वाह क्या बात है, इस तरह का रंगोली तो हम आज पहली बार देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं हमें, क्या आप लोग ने कभी इस तरह का रंगोली देखा है या नहीं। और हमें तो लगता है कि ये जो रंगोली बना है इस बार 2022 में हमारे गांव में, यह इससे पहले नहीं बना था और आने वाले दीपावली को इससे भी सुंदर बनाया जाएगा। वाह यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चौकथरा यानी बनाया गया है ब्रिज के साइड साइड दीवार चलाया गया, प्लस्तर किया गया, उस पर देख सकते हैं रिद्धि सिद्धि का सिंबल बनाया गया है, शुभ लिखा गया है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ओम लिखा गया है और ये सुंदर सा फ्लावर बीच में बॉर्डर दिया गया है, बॉर्डरिंग किया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि एक लोग बनाया, इसमें कुछ ग्रुप से टीम के द्वारा ही इतना सारा चित्र बनाया गया है, अकेले कोई नहीं बना सकता। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो गांव के जो भी लोग थे उनसे हमने पूछा कि ये सारी चीज़ें कितना समय लगा बनाने में और किन किन लोगों ने बनाया, तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के गार्जियन लोगों ने बताया कि गांव की लड़कियों ने, हमारे पास पड़ोस की लड़कियों ने, मतलब गांव की ही बच्ची लोग हैं जिन्होंने इतना सारा मतलब योगदान दिया इसको बनाने में, लगभग 2 बजे तक इन्होंने काम करते ही रहे, तब जा कर के इतना सुंदर ये सारी चीज़ें बनी हैं। जो थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा कुछ किया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे गांव के ग्राम सभा के जो भी लोग देखे होंगे उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, ये जगह आज कितना खूबसूरत लग रहा है। वाकई दिवाली ऐसा एक त्यौहार है जिसमें हर एक चीज़ की सुंदरता, हर एक चीज़ को पूजा जाता है, जिसमें जो जगह कोई नहीं जाता है उस जगह को भी साफ सुथरा करके उस जगह पे भी दीप रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर जगह देव लक्ष्मी जी का वास है, लक्ष्मी जी का वास है और इस जगह पे लक्ष्मी जी विद्यमान है। हर जगह पर दीप रखा जाता है, हर जगह को एक अच्छे शुभ नज़रों से दिखा जाता है। और यहाँ क्या कहना है, वाह चलिए हाँ रखिए। और इस स्थान पर सबसे पहले हमारे बाबा जी ने दिखाते आपको। सो हे गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक दीप को जलाकर चले गए हैं, कोई बाबा जी थे हमारे गांव के थे, तो अभी देख सकते हैं कि अभी इस पूरे मतलब देवी माँ के स्थल पर एक दीप जलाया गया है। और वहाँ पर भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये दीप जो है बुझ गया है, तो अभी इसको हम छुएंगे नहीं क्योंकि अभी हम स्नान वगैरह नहीं किए हैं। अब स्नान वगैरह कर लेंगे तब आएंगे, तब हम दीप जलाएंगे और जो नहीं जला रहेगा उसको भी जला देंगे। वेलकम। तो गाइस ये लास्ट पीपल का ब्रिज है, होता है बहुत साल पुराना है, इसका अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वही बता पाएंगे कि इसकी हिस्ट्री कितनी है और यानी कितना साल पुराना है। गाइस यहां पर भी दीप वगैरह रखे जाएंगे, अभी कुछ समय बाद देखिएगा, लगभग आधे घंटे बाद यहां पर भी बहुत सारे दीप जलते जगमगाते हुए नजर आएंगे।